जाना है मुझे। प्लीज एक मिनट, रुको 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 रुको। मैंने सुना तुमने ललन यादव के लोगों को ढो डाला, गिरी ने बताया। हाँ मैंने मारा तो। तुमने मारा उन्हें? पूरी बोतल चढ़ा के आए थे क्या कि तुमने उन्हें छुआ और वो लोग गिर गए? तुम्हें ऐसा लगता है? अगर मैं वहां होती तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मैं एक आंख मारती सब घायल। गांव में बहुत से घायल लोग घूम रहे हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? एक मिनट, एक खूबसूरत लड़की तुमसे बात कर रही है और तुम उसे पीछे छुड़ा के भाग रहे हो? मुझे देखकर तुम्हें कुछ होता नहीं? नहीं। हाँ? तुम में ऐसा क्या है? हाँ? ना तुम खूबसूरत हो, ना तुम्हें ठीक से चलना आता है, ना ही बात करने की तमीज है। कपड़े ऐसे पहनती हो जैसे सर्कस की जोकर हो। किस चीज का घमंड है तुम्हें? ज्यादा दिमाग पर गई ना तो कच्चा चबा जाऊंगा। अपने आप को मिस वर्ल्ड समझती है, चल निकल यहां से। मुझे डांटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो छोड़ो मुझे। फिर से तो नहीं मारोगी? सीधा अपने कमरे में जाऊंगी। एक लड़की पे हाथ उठाते हो? क्या करी? दोबारा मेरे बालों को हाथ मत लगाना। घर वालों को पीछे मत लाओ, आपस में मामला निपटाते हैं। कैसे निपटाएंगे आपस में? तुमने मारा है मुझे, नामर्द कहेंगे। सॉरी। नहीं सॉरी से काम नहीं चलेगा। मेरी बात सुनो पूजा। पूजा मेरी बात सुनो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पूजा मेरी बात। जरा ये। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छी। डॉक्टर के पास जाना है? ये डॉक्टर ही है सर। सॉरी, मुर्दा घर कहाँ है? यही है सर। यूज़ क्या हुआ? अंदर आइए। ये वाला, ये वाला, ये वाला है। ये रहा घाव का निशान। और कुछ देखना है? ठीक है ठीक। रवि रवि। उसके सामान की छानबीन की? की सर, पर कुछ नहीं मिला। अगर स्थितियां बंद नहीं होती तो मैं दवाई देता हूँ। अच्छी। बॉडी को हैदराबाद शिफ्ट कर दो। ओके सर। कोई क्लेम करे तो उन्हें सौंप देना। ठीक है सर। क्या रवि, आर यू ओके? मुर्दा घर में पहली बार आए हो ना? हाँ सर। मैं भी पहली बार। उख! पानी दो। चलो अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर नहीं। यस। चेक। आप कौन? अर्जुन प्रसाद। यहाँ सत्यनारायण मूर्ति। घर के मालिक को जानते नहीं और चेस खेलने लगे? चेस खेलने के लिए जान पहचान की क्या जरूरत है, बस खेलना आना चाहिए। मैं ही मूर्ति हूँ, बताइए क्या बात है? मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से हूँ। क्या कहा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोई नई इंश्योरेंस कंपनी है क्या? CBI। मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं क्या मदद कर सकता? पारस मूर्ति मेरा पोता है, मुझे उससे मिलना है। वो मेरे लिए एक और ले आएंगे। अजिता,
पारस को बुला। सर देखो, अगर हम पारस के फिंगरप्रिंट्स ले ले और हत्या के स्पॉट पे उसकी मौजूदगी की छानबीन करें तो सर वो अपने फिंगरप्रिंट्स क्यों देगा? वो तो बिना बताए लेना पड़ेगा। सर इतना रिस्क क्यों लेने का? अगर वही कातिल निकला तो हो सकता है कि साया जी का मर्डर इसी ने किया हो, जो बंदूक मिली उसमें इसी की उंगलियों के निशान हो, कौन जानता है। चांस तो लेना ही पड़ेगा रवि। ओके सर। वैसे तुम्हारे पास मेरे विजिटिंग कार्ड्स तो है ना? सर सिर्फ एक ही बचा है। उसमें पाउडर डाल के यहाँ ले आओ। पारस आ गया। अर्जुन प्रसाद, CBI। काफी अच्छा लगा तुमसे मिलकर। इतना डरे हुए क्यों? एक CBI ऑफिसर को देखकर बोलती बंद हो गई? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? ये एक लंबी कहानी है जिसे मैं छोटा कर देता हूं। करीब 40 दिन पहले अपोजिशन लीडर सयाजी रेड्डी की हत्या हुई थी। अखबार में पढ़ा होगा, उनका कातिल ट्रेन से भाग गया, किसी ने उसे नहीं देखा। लेकिन जिस SP ने उसका पीछा किया था उसने उसे पीछे से देखा है। फिर जब वो ट्रेन सोलापुर स्टेशन पर रुकी तो SP ने उसकी शर्ट पहचान के गोली चलाई, पर कातिल की जगह एक बेचारे मासूम की जिंदगी चली गई। हमें उसकी डिटेल्स तो नहीं मिली है, पर उस कंपार्टमेंट की जिस सीट के पास उसकी बॉडी मिली थी हमें रेलवे डिपार्टमेंट का ये रिजर्वेशन चार्ट मिला। कंपार्टमेंट S8, सीट नंबर 16, नाम पारस मूर्ति, केयर ऑफ D सत्यनारायण मूर्ति और यहाँ का एड्रेस। पर तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, पारस तुम ही हो। कमिंग टू द पॉइंट, तुम्हारी सीट पे कोई और क्यों बैठा था? जब मैं विजयवाड़ा में पानी लेने उतरा तो मेरी ट्रेन छूट गई, वहां से मैं बाय रोड आया। मुझे नहीं पता उसके बाद उस सीट पर कौन बैठा। ओ, तो फिर विजयवाड़ा स्टेशन पे उतरने से पहले तुमने कंपार्टमेंट में किसी ऐसे इंसान को देखा जिस पर तुम शक हो? कोई हड़बड़ाकर ट्रेन में चढ़ा हो, ज्यादा समय बाथरूम में रहता हो, थोड़ा टेंशन में हो, एनीथिंग वियर्ड, क्रेजी? मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, पर कोई तो होगा ऐसा, मतलब सारी डिटेल्स अभी चाहिए। नहीं, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, जब भी याद आए मुझे फोन करके बता देना, उसमें क्या है। मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है। नो प्रॉब्लम, मेरा कार्ड ले लो, जैसे ही तुम्हें कुछ याद आए मुझे फोन। कार्ड
ससुरा असली मर्द था। मर्द या तो गुस्से में आकर मारता है या फिर ताकत से, मगर उस ससुरा तो हिसाब से मारता है। किसको कितना मारना है, किसके सिर्फ हाथ पैर तोड़ने हैं, किसका मुंह तोड़ना है या किसी के सिर्फ दांत तोड़ने हैं, बहुत नाप तोल के मारता है मर्द वाला। बहुत हो गया, कब से सुने जा रहा हूँ आप उसे मर्द बोले जा रहे हैं। आप हाँ तो बोलिए, हाथ पैर तोड़कर चौराहे पे उसे भीख मंगवाऊंगा। आपने जोश पे थोड़ा साइलेंसर लगा, क्यों अपनी इज्जत गंवाना चाहता है, कपड़े फाड़ देगा। आप मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। जान से मार दूं। परसों गांव में मेला लगने वाला है, बहुत से लोग उसमें आएंगे। वो भी आएगा पर वापस नहीं जाएगा। मेले का दिन उसका आखिरी दिन होगा। कुत्ते की मौत मारूंगा उसे, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि किस भाई से पाला पड़ गया। उसके अपने ही लोगों के सामने मैं उसकी अकड़ निकालूंगा। इस शेर के पंजे से वो बच नहीं सकता। कितना फिल्म देखता है, पूरा फिल्मी हो गया है। वो मंदिर का घंटा नहीं है जो जाए के बजाए के चला आएगा। तो आप ही बोलो ना क्या करूं, चूड़िया पहन के बैठ जाऊं? ए, तुमका पता है हिरन पे झपटे से पहले शेर कितना शांत रहता है, तो फिर शेर का शिकार करने के लिए कितना शांत रहना पड़ेगा। हाँ? तो हम जो समझा रहे हैं उसे ठंडे दिमाग से उसको खत्म करो, माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। देखो तुम्हारा जितना भी आदमी है सबको एक ही गाड़ी में लेके जाओ, कहे कि पेट्रोल बहुत महंगा है। अबे फटीचा ट्रैक्टर बंद कर। सुना शांति कितनी खतरनाक लगती है, मतलब जितनी शांति से वार करोगे शिकार उतना डरावना।